नमस्कार, दूर दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नीतीश ने लालू की तुलना विषैले सांप से की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तीखा प्रहार करते हुए इशारों ही इशारों में उनकी तुलना विषैले सांप से की है। कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्वीट किया कि बिहार का विकास मेरा मुख्य एजेंडा है। इसके बाद उन्होंने दोहा लिखा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्वापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे के माध्यम से मुख्यमंत्री ने इशारों ही इशारों में गठबंधन के अहम सहयोग लालू प्रसाद यादव की तुलना ऐसे विषैले सांप से की है जिसके बुरे साथ का असर उन पर नहीं पड़ने वाला है। दरअसल कुमार से पूछा गया था कि लालू के साथ बिहार का विकास कैसे करेंगे। इस बीच राजद ने साफ कर दिया है कि वह अपने नेता का अपमान नहीं सहेगा। नजीब जंग ने स्वाति मालीवाल की नियुक्ति रद्द की। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव का नया दौर शुरू हो गया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली महिला आयोग पद पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति रद्द कर दी है। राजभवन के सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मालीवाल की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल से अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया है। मालीवाल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल के निकट सहयोगी नवीन जय हिंद की पत्नी हैं। कांग्रेस एवं भाजपा ने केजरीवाल पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा कि यह सब मोदी के इशारे पर किया गया है और उन्हें इसकी पहले से ही आशंका थी। सुषमा का पलटवार, कांग्रेस नेता ने कोयला घोटाले के आरोपी को पासपोर्ट दिलाने के लिए दबाव बनाया था। दलित मोदी मामले में लगातार विपक्ष के इस्तीफे की मांग का सामना कर रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री पर कोयला घोटाले के आरोपी संतोष बगरोडिया को पासपोर्ट दिलाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। स्वराज ने ट्विटर पर कहा कि वे इस नेता के नाम का खुलासा सदन में करेंगी। उल्लेखनीय है कि विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। हमें अपनी सरकार के कामकाज पर गर्व होना चाहिए, कहा नरेंद्र मोदी ने। व्यापम घोटाले और ललित मोदी प्रकरण में विपक्ष के जोरदार हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहां अपनी पार्टी के सांसदों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें अपनी सरकार के कामकाज पर गर्व होना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।